भी 2 बार गूगल से रिजेक्शन फेस किया हुआ है पहले। तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग गूगल में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ये मैंने 3rd ईयर में ही छोड़ दिया था ये सारा कुछ करना, कंपेरेटिव मैंने नहीं करी थी उस टाइम पे। ज्यादातर जो फोकस था ग्राफ के मुझे क्वेश्चंस लगे, मतलब मोस्टली ऐसा मैंने सुना भी था पहले कि ग्राफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूअर तुम्हारे लिए जब आ रहा है तो तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, रिजेक्शन वाले माइंडसेट से बहुत कम लोग आते हैं और ना के बराबर ही आते हैं। तो कोड लिखते टाइम कोड की जो क्लैरिटी है, मतलब कैसे आप लिख रहे हो, नेमिंग्स कैसे कर रहे हो वेरिएबल का, स्पेसेस, इंडेंटेशन वगैरह, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पर प्ले करती है। बाकी यार फ्री फूड तो है ही, मतलब फन वाली चीजें तो है ही बाकी सारी। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है मेरे काफी अच्छे दोस्त, हम एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते हैं। हम दोनों ने साथ में जेई की प्रिपरेशन करी थी, सेम कोचिंग में थे एंड बाद में 2 अलग अलग कॉलेजेस में गए, बट ऐसे भाई भाई वाले कॉलेजेस में, NSIT DTU। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। अब उन्होंने रिसेंटली गूगल क्रैक करी है, इससे पहले वो क्योरफिट में थे और मेरी भी जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो क्योरफिट ही लगी थी। तो तुम देख रहे हो बिल्कुल ऐसे लंबा कनेक्शन। तो आज हम बात करेंगे उनके उनसे कि लाइक एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, कितने राउंड्स वगैरह होते हैं, उन राउंड्स में पूछा क्या जाता है, कौन से टॉपिक्स पे लाइक ज़्यादा तुम्हारा फोकस करते हैं, इसके अलावा जो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है क्या वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है गूगल में, या फिर जो ऐसे लोग बोलते रहते हैं यार CP नहीं करोगे तो गूगल नहीं होगा, वो सच है कि नहीं है, और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यार फराज बताओ। हाय निशांत एंड हाय एवरीवन, आई एम फराज और रिसेंटली आई हैव क्रैक गूगल। इससे पहले मैंने क्योरफिट में काम किया था और निशांत ने अपनी पूरी जर्नी तो बताई दी है, बिल्कुल पैरेलल हमारी जर्नी चली है। सो क्योरफिट में भी हम लोग साथ में ही गए थे एंड देन निशांत वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट और अभी मैं गूगल में आ गया हूँ। सो यस, आज का हमारा एजेंडा यही है कि आप लोगों को एक क्लियर पाथ दिया जाए कि कैसे आप लोग मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं गूगल के लिए, कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, तो यार ये बताओ कि गूगल में एक्चुअली लाइक प्रोसेस क्या था, आपने अप्लाई किया था डायरेक्टली या फिर किसी रिक्रूटर ने अप्रोच किया था, कहाँ पे अप्रोच किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, वो पूरी जर्नी बताओ। हाँ, तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग गूगल में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मेरे केस में रिक्रूटर ने मुझे सामने से अप्रोच किया था, मैं तो वेट कर रहा था कि 1 साल के बाद खुद अप्लाई करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में था कि गूगल में जाना ही है। 2 बार इससे पहले मैं पोर्टल पे जाके अप्लाई कर चुका था। तो कई सारे तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोग रिक्रूटर को अप्रोच कर सकते हैं, आप लोग रेफरल्स ले सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं और कैंपस का भी एक प्रोसेस होता है। मेरे वाले केस में रिक्रूटर ने अप्रोच किया, देन मेरा प्रोसेस आगे बढ़ा और बहुत ही स्मूथ और ईजी प्रोसेस था। ठीक है, काफ़ी सही। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी यार, जैसे लीड कोड प्रोफाइल कितनी ज़्यादा मैटर कर रही थी, तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी ज़्यादा मैटर करती है, मतलब रिक्रूटर तुम तक पहुँचा कैसे, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें अगर कुछ आइडिया तो बताओगे। हाँ, तो मुझे लिंक्डइन पे रिक्रूटर का टेक्स्ट आया था और उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ही देखी थी बिकॉज मैंने रिज्यूमे नहीं डाला हुआ था लिंक्डइन पे। तो उन्होंने देखा कि भाई कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, कौन से मेरे जो टेक्स्ट है कि मैंने फॉलो किए हुए हैं, कहाँ पर मुझे कितना एंडोर्समेंट मिला हुआ है, एक एंडोर्समेंट नाम का फीचर होता है वहाँ पर, तो मैंने जावा में काम किया हुआ है, मैंने फ्रंट एंड पे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये सब देख के फिर रिक्रूटर ने मुझे टेक्स्ट किया कि यार आपकी प्रोफाइल हमें इंटरेस्टिंग लगी है, अब आप अपना रिज्यूमे सेंड कर दो, अब वो रिज्यूमे को गो थ्रू करेंगे उसके बाद मुझे अप्रोच करेंगे। तो फिर मैंने रिज्यूमे सेंड किया, उन्होंने गो थ्रू किया और मुझे कॉल किया। मुझे कॉल पर उन्होंने एक चीज़ और पूछी कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं, मतलब आप आउट ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं हो अभी, बिकॉज होता है क्या है कि अब एक बार आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो, इंटरव्यूज होना स्टार्ट हो जाए और बीच में आप कहीं अटक जाओगे तो आप फिर कूलिंग पीरियड में आ जाओगे, तो 6 महीने का कम से कम कूलिंग पीरियड लग जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए उन्होंने मेरे से पूछा कि इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हुए, मैंने बताया कि हाँ इस प्रोफाइल पे मैंने इतने क्वेश्चंस किए हुए। उन्होंने ये भी पूछा था कि मीडियम हार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दो एक बार हमें, मीडियम इजी मीडियम हार्ड का। तो मैंने बताया उनका कि ठीक है यार, इट साउंड्स गुड और आप अभी इनिशिएट कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने कहा कि यार ठीक है थोड़ा वेट, मेरे को तो 1 महीना चाहिए था कम से कम तैयारी करने के लिए। उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट कर दो, लेकिन फिर भी 3 हफ्ते का टाइम मुझे मिल गया था उसके बाद। ठीक है, ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम cryo.do। अब cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, तुम प्रोजेक्ट्स करने से नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख रहे होते हो। अब यार क्रायो वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैक एंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6 to 40 lakh rupees। यार विद 3,000+ लर्नर्स एंड 500+ ग्रेड्स प्लेस्ड इन ग्लोबल MNCs, यूनिकॉर्न्स एंड हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक Amazon, ग्रो, क्रेड, Flipkart, Paytm, क्रायो के जो ग्रेड्स हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज। क्रायो में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो, ठीक है। अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है
तुम एक अच्छे स्टार्टअप में, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी, एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। यार यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ, उसके साथ कुछ फ्रीबीज वगैरह भी है वो तुम्हें सारे मिल रहे होंगे, ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जाके जरूर रजिस्टर कर देना, ठीक है, बस तुम अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो उन तीन हफ्तों में तुमने प्रिपेयर कैसे किया, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी एग्जैक्टली, क्योंकि काफी सारी चीजें यार रिवाइज करने के लिए, एंड गूगल में क्वेश्चंस अच्छे ही पूछते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आसान क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, सारे न्यू क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा हो सकता है तुमने उस टाइप का कभी कहीं देखा हो, टाइप का देखा हो सकता है, सेम क्वेश्चन मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वो स्ट्रैटेजी बताओ कि तीन हफ्ते में क्या किया था। हाँ यार, तो मैं DSA तो काफ़ी टाइम से कर रहा था पहले, लेकिन ये जो मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, द ग्राफ एल्गोरिथम्स हो गया, सेगमेंट्री हो गया, और DGTP वगैरह हो गया, तो ये यूजुअली नहीं करता था मैं, ये मैंने थर्ड ईयर में ही छोड़ दिया था ये सारा कुछ करना, कंपेरेटिव मैंने नहीं करी थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल के लिए, मैंने अपने सीनियर से भी ये चीज़ सुनी थी, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस पढ़े उसमें भी ये था कि ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से, और ग्राफ अच्छे से कर लिया मैंने उस टाइम में, तीन हफ्ते के टाइम में। बाकी DGTP के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, सेगमेंट्री का एक क्वेश्चन किया, बस एक क्वेश्चन, जिसमें पता चल जाएगी सेगमेंट्री काम कैसे करता है, बहुत ही लिमिटेड था ये सारा चीज़ें, और ये सारे रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं एक वीडियो बना करके कि मैंने क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन शेयर कर दिया है मैंने। ठीक है, काफ़ी सही, वो तुम फराज के चैनल पर जाके देख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जो जो फराज ने किया हुआ है। अब यहाँ पे एक CP की बात आई थी यार, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना, लाइक जो तुम्हारे जितने भी 3-4 राउंड्स हुए गूगल में, पहले ये भी बताना कितने राउंड्स हुए, उन राउंड में किसी में भी ऐसा था कि वो लीड कोड वाला क्वेश्चन से अलग था कि कॉम्पिटेटिव का तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, अगर कॉम्पिटेटिव में ये चीज़ नहीं पड़ी है तो बिल्कुल तुम कर ही नहीं सकते क्वेश्चन, ऐसा कुछ था क्या? तो यार टोटल मेरे 5 कोडिंग राउंड हुए थे, इसमें से फर्स्ट राउंड एलिमिनेटरी था, बाद में जो 4 राउंड हुए थे वो सॉर्ट ऑफ उनका मिक्स रिव्यू गया था बाद में, और इन पांचों ही कोडिंग राउंड में ऐसा नहीं था कि मेरे से हार्डकोर कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पूछी जा रही है, नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के ही क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप, मतलब ओपन क्वेश्चंस इनको कहते हैं हम लोग, एक तरीका नहीं है उसको करने का, बहुत तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। बाकी कंपेरेटिव जैसे मेरे को कुछ भी नहीं लगा, सेगमेंट्री बिल्कुल भी मतलब नहीं पूछा गया उसमें, ट्राई हाथ का बीच में मेरा यूज़ हुआ था जो कि नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है उसी लेवल का, तो मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कंपेरेटिव की ज़रूरत है, मैंने खुद ने नहीं करी थी कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, 2 साल से तो मैंने छू के भी नहीं देखा है, कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उससे पहले भी हल्की फुल्की करी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि कंपेरेटिव की ज़रूरत है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अच्छे से आना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब कोड लिखते हैं ना, तो कोड लिखते टाइम कोड की जो क्लैरिटी है, मतलब कैसे आप लिख रहे हो, नेमिंग्स कैसे कर रहे हो वेरिएबल का, स्पेसेस, इंडेंटेशन वगैरह, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पर प्ले करती है। मुझे एक रिक्रूटर ने बोला भी था, एक इंटरव्यूअर ने बोला भी था कि ये ना थोड़ा सा आप स्पेसिंग वगैरह इसकी प्रॉपर कर लो, तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया था कि यार ये फीडबैक है मेरे लिए, आगे के राउंड से मेरे को ये लेकर के जाना है आगे। काफ़ी सही, तो ये वाली चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम कंपनी में भी कोड कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारा इंडेंटेशन, तुम्हारा कोड क्वालिटी, ये वेरिएबल नेम्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब तुम सोचो कि लोग काफ़ी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं, टीम स्विच कर रहे हैं इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जो वो कोड है वो तो सेम ही रहेगा, अब कोई नया बंदा आएगा उसको समझ तो आना चाहिए कि लिखा क्या हुआ है, तुमने इंट एक्स इंट वाई बना दिए वहाँ पे वेरिएबल, अब वो पता ही नहीं उस आदमी को इंट एक्स इंट वाई करके आ रहे हैं, राइट, उसको तुम अच्छे से नेम करोगे तभी तो नेक्स्ट वाला कोई बंदा आएगा वो उसको समझ पाएगा कि यार अच्छा इस बंदे ने यहाँ पे ऐसे कोड लिखा हुआ है, इस वेरिएबल से ये काम हो रहा है, ये वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है, एंड उसको पढ़ के समझ आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। सेम ही वो इंटरव्यूज़ के टाइम यही चीज़ देख रहे होते हैं, चाहे तुम किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो वो कोड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है कि बहुत जो टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं वो इंटरव्यूज़ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते फॉर नॉर्मल कंपनीज, लाइक हो सकता है कि उनका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में नहीं हो पा रहा है, बट उन्होंने ऐसे कोऑर्डिनेशन वोर्डिनेशन क्रैक कर लिए, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे तुम्हारी कोड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग कोड पढ़ेंगे, टीम तुम चेंज कर रहे हो, अभी ये वाला काम पसंद आ रहा है थोड़े दिन किया, अब दूसरी टीम में चले गए तो कोई और तुम्हारा रिप्लेसमेंट आएगा, उसको समझना तो पड़ेगा ना क्या चल रहा है, तो कोड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एंड ये फराज ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी करा है, तो ध्यान रखना जब भी तुम कोई इंटरव्यू दो तो इंटेक्स इंटरवाई मत यूज़ करना, ठीक है, ढंग के वेरिएबल्स यूज़ कर लेना सही रहेगा। तो फराज तेरे 4 राउंड्स हुए भाई, तो इसमें तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया था वो बता सकते हो? हाँ, तो ज़्यादातर जो फोकस था ग्राफ के मुझे क्वेश्चंस लगे, मतलब मोस्टली ऐसा मैंने सुना भी था पहले कि ग्राफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी कुछ क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रिंग बेस्ड भी थे,
बाकी नॉर्मल ओपन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो वाले भी थे, जिसमें आप कोई सा भी एल्गोरिथम लगा के उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑप्टिमाइज्ड तरीके से उसको सॉल्व करना होता है जिसका एक प्रॉपर आंसर नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे और सारे के सारे टॉपिक्स जैसे हमने डिस्कस किया विद इन डीएस आपके कवर हो जाते हैं। यार एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट राउंड था वहाँ पर, गूगलीनेस वाला राउंड जो इन 5 राउंड के बाद हुआ था। तो हालांकि मतलब ये लगता है कि गूगलीनेस तो एक सॉर्ट ऑफ एचआर राउंड है तो उसमें कुछ रिजेक्शन वगैरह नहीं होंगे, लेकिन इस राउंड से पहले ही मैंने एक बंदे का एक्सपीरियंस सुना था, मतलब फेस टू फेस ऐसे ही उसने बताया था कि इस वाले राउंड में मेरा रिजेक्शन हो गया था क्योंकि मैंने एक आंसर ऐसा दे दिया था जो कि सुटेबल नहीं था, मतलब कुछ नेगेटिविटी वगैरह रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन उसमें भी होता है गूगलीनेस राउंड में, इसमें लीडरशिप के क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यार जो एक गूगलीनेस राउंड होता है ना, अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनीज में नेमिंग नेम किया जाता है, बट जनरली ये तुम्हारा कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि जैसे तुम क्या इस फॉर्म के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। ठीक है, बस कोडिंग मैटर नहीं करती है, ये चीज़ें भी मैटर करती है, तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह भी थोड़े मैटर करते हैं कि तुम अपने लाइक थॉट्स को कम्युनिकेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तुम अगर तुम किसी टीम में काम करोगे तो तुम टीम वर्क कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब तुम कंपनी ज्वाइन कर लेते हो। जो तुम्हारे प्रमोशंस होते हैं, तुम्हारे इंक्रीमेंट्स होते हैं, उन पर भी ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपने आप को पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट साथ साथ करने का ट्राई करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपनी, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, कुछ थॉट आ रहा है, वो कैसे कन्वे करना है दूसरे बंदे को, और डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें साथ साथ इंप्रूव करते जाओ। ऐसा कोई तुम्हें बाद में आके सिखाने नहीं वाला है कि भाई तुम्हें बिठाएगा तुम्हें पूरी क्लास देगा कि यार ऐसे तुम बोलना, ऐसे तुम्हें एक चीज़ करनी है, वो तुम्हें खुद ही अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको बेस्ट तरीके से कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से कैसे बता सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी कई बार होना पड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ सीखते जाओगे, बट ध्यान देना इन पे भी क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यार फराज, तूने दोनों टाइप की कंपनीज में काम कर लिया, स्टार्टअप्स में काम कर लिया, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में, एंड अब तू गूगल में काम कर रहा है, ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो कुछ मेजर डिफरेंस लगा है दोनों में? हाँ यार, मुझे काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा एक मेजर डिफरेंस दिखा है। तो वहाँ पर यूजुअली क्या होता था कि डिस्कशंस हुआ, आज डिस्कशंस के बाद वहाँ पर ही फ्रंट एंड टीम है, वहाँ पर ही बैक एंड टीम है, और वहाँ पर ही अपनी प्रोडक्ट वाली जो टीम है, सब डिस्कस करने के बाद एकदम डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता नहीं था यूजुअली वहाँ पर, बहुत जल्दी जल्दी से चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी और जल्दी डिप्लॉय भी हो जाती थी। टेस्टिंग भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, हाँ पर कुछ ब्रेक हो गया तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करते थे। यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे एक प्रोग्राम होता है पूरा गूगल में जहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है, वहाँ मुझे पता चला कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है चीज़ों से मतलब काम करने का। पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर, उसके बाद डेवलपमेंट होती है, फिर प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर एकदम फ्लैट हायरार्की थी, कुछ SD1 SD2 था नहीं, यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट हायरार्की होती है कि किसको आपको रिपोर्ट करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ही क्लियरली डिफाइंड होता है यहाँ पर। तो ये दो मेजर चीज़ें मुझे लगी, और बाकी यार फ्री फूड तो है ही, मतलब फन वाली चीज़ें तो है ही बाकी सारी। सही सही सही। तो ये तो है कि जब तुम किसी एक बड़े MNC में काम कर रहे होते हो वर्सेस किसी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप या एक स्टार्टअप में काम करते हो, तो चीज़ों को लाइक फ्लो करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे भाई तुम एक दिन आइडिया सोचो, अगले दिन तुम ट्राई करके उसको टेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर तुम्हारे जो सीनियर्स होते हैं या फिर लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, वो भी चेक करते हैं कि भाई ये जो कर रहा है, ये जो सोचा है इसने, कि वो सही भी है कि नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि बस तुमने कोड किया अगले दिन डिप्लॉय कर दिया, प्रॉपर स्प्रिंट्स होती हैं, प्रॉपर साइकिल्स होती है कि इस महीने में यही चीज़ शिप होगी, इस महीने में ये चीज़ होने वाली है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होती है। कोई नया फीचर आता है तो उससे पहले पूरी जो तुम्हारी प्रोडक्ट टीम होती है, प्रोडक्ट टीम उसके ऊपर काम करती है, वो फीचर डिज़ाइन करती है कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद डिज़ाइन टीम जो तुम्हारी होती है उसके पूरे मॉक्स बनाते हैं, फिर जाके तुम्हें फाइनली डेवलपमेंट टीम को मिलता है, इंजीनियर्स को मिलता है, वो उसको डेवलप करते हैं, फिर प्रॉपर टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्ट लिखते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज मिला कल बना दिया और परसों शिप कर दिया, टाइम लगता है प्रोसेस में, इसलिए जब थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा तुम्हारे पास भी टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप्स, क्योंकि स्टार्टअप्स में वो साइकिल बहुत फास्ट है। हाँ, तो साइकिल बहुत फास्ट है तो काम भी बहुत फास्ट करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा वो होता है कि तुम्हारी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो टाइम तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो प्रोसेस फॉलो करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यार फराज, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लें इंपॉर्टेंट कि ऑफ कैंपस में अगर तुम्हें लाइक अप्लाई करना है तो किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अच्छी होनी चाहिए, लीड कोड पर तुमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर लिया तो इंटरव्यू तुम अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, कोड क्वालिटी पे ध्यान देना है, इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई और तुम्हारे सजेशंस हो, जो भी बंदे हैं जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जिनके भी इंटर्नशिप के इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, फुल टाइम के इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, या फिर
इसके अलावा जो भी लाइक काम कर रहे हैं किसी और कंपनी में, सर्विस बेस्ड में या प्रोडक्ट बेस्ड में, जिनको शिफ्ट करना है, हाँ, जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किसी के लिए भी कुछ दो तीन टिप्स हैं तो वो बता दो। हाँ, तो यार अप्लाई करने से पहले पहली टिप तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है हमने कहीं अप्लाई किया और हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, तो उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना है। मतलब मैंने भी दो बार गूगल से रिजेक्शन फेस किया हुआ है पहले, जब मेरे पास टेस्ट का लिंक ही नहीं आया था। तो उस टाइम पे आप अप्लाई करते रहो, जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ वहाँ पर आप अप्लाई करते रहो। दूसरी चीज़, जब आपका इंटरव्यू आ जाता है तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, पहले से तैयारी पहले से करके रखो। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आप लोग बातचीत कर रहे हो ना इंटरव्यूअर से, थोड़ा सा लाउडली आप लोग बातचीत करो, थोड़ा सा क्लियर तरीके से बातचीत करो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये जो 5 इंटरव्यूज थे उसमें से 2 इंटरव्यू में इनिशियली मैं गलत डायरेक्शन में गया हूँ, बिल्कुल ही मतलब गलत डायरेक्शन। तो वहाँ पर मुझे थोड़े से हिंट्स उन्होंने बताए कि क्या ऐसा करने से, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे इस तरीके से कि मैं सही डायरेक्शन में आ जाऊँ। फिर मैं सही डायरेक्शन में आ गया और फाइनली फिर इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अलाउड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बाकी तो सबको पता ही है कि कहाँ से पढ़ना है। आपको DSA पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोग गूगल की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। बाकी कंपनीज़ की बात करें तो आपके सब्जेक्ट्स भी हैं एंड देन आपके पास और भी चीज़ें हो जाती हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं। गूगल की बात करें तो मेन आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है। सही सही सही। तो थिंक आउट लाउड वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर तुम्हारे लिए जब आ रहा है तो तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। रिजेक्शन वाले माइंडसेट से बहुत कम लोग आते हैं और ना के बराबर ही आते हैं कि भाई आज इंटरव्यू लूंगा और सबको रिजेक्ट कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सब यही सोचते हैं कि इतना टाइम और एनर्जी कंपनी लगा रही है, पैसे लगा रही है, सो एक अच्छा कैंडिडेट हम निकाल के ले आएँ, तो तुम्हें हेल्प करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस कि यार तुम सही डायरेक्शन में जाओ, तुम सही चीज़ सोचो। बट अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि तुम सोच क्या रहे हो तो कैसे तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। सो इसलिए जब तुम इंटरव्यूज दे रहे हो तो थिंक आउट लाउड डिस्कस करो कि यार मैं इस चीज़ सोच रहा हूँ, क्या ये चीज़ सही है। वो कुछ हिंट्स दे सकते हैं, तो मैं ऐसे बिल्कुल तो नहीं बताएंगे तुम गलत सोच रहे हो, हिंट्स ड्रॉप करेंगे, हिंट्स पकड़ना सीखो। तो बस बाकी प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, जो तुमने सोचा तुम्हें मिल जाएगा। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फराज फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया बात करके। यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके देख सकते हो। और अभी रिसेंटली 100K क्रॉस किया भाई ने, कंग्रेचुलेशन ऑन दैट, थैंक यू सो मच। ठीक है यार, इतना ही था आज वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।